प्रेगनेंसी बा गर्भधारण जेकोसी महिला मानक एक खुशी खबर तेणु यही गर्भावस्था केमती निजर जत्न ने निज और निजर गर्भस्थ शिशुर केमती जत्न ने से विषय में मुझे कहबी। प्रथमतः आपण प्लान करूँ प्रेगनेंसी करिवार पूर्वर डाक्तर को परामर्श करूँ जो थे कि आप कि रूटीन टेस्ट करके आप बॉडी गर्भधारण पे उपयुक्त अटे कि ना से चेक करा किटा मेडिसिन जमीक फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी हबार मिनिमम 15 दिन आगु दि जाए तेणु गोटे हूँ प्रेगनेंसी प्लानिंग करूँ जदि भी आप प्रेगनेंसी प्लान करिसेंदी एवं पॉजिटिव बाहरी आप घरे किट्रे तेल आप डाक्तर को तुरंत जाकि परामर्श करूँ जो थे कि किटा मेडिसिन जमीक फॉलिक एसिड आउ बांति मेडिसिन बा जो मानकर हार्मोन कम थाए से किटा हार्मोन दि जाए आपण गर्भावस्था जानते तीनोटी सोपान थाए प्रथम सोपान फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तापर आम डेलीवरी करा जाए तेणु प्रति महिला माने तांकर प्रेगनेंसी समय निजर डाएट्र जत्न नवा सांगे सांगे रेगुलर चेकअप करवा आवश्यक। डाएट कौन ने डाएट आपण घरे जेकोसी खाद्य हाइजेनिक वे नियंतु बाहर स्ट्रीट फूड्स टी आवॉइड करूँ एवं घरे आपण नॉन वेजिटेरियन जदि होते आप चूना माछ एग आप सप्ताह को दुई थर नि क्षीर रेगुलर नियंतु प्रोटीन आपणकर एथरे दरकार थाए तेणु आप एक्स्ट्रा प्रोटीन पाउडर ना अपेक्षा जदि आप निजे घरे दूध छेना काजू काजू नट बा आलमंड एगुड़ाक नियंतु इवन चना भी आप भल प्रोटीन से थाए तेणु आप एगुड़ाक कंज्यूम करें। वेजिटेरियन मैंने क्षीर चना फ्रूट्स सम वेजिटेबल ग्रीन लीफी वेजिटेबल नवा निहाती आवश्यक एवं समस्ते महिला प्रेगनेंसी टाइम रे नॉर्मल लिक्विड डाइट तांकर थाए पानीर परिमाणटा 2-3 लिटर करिबा निहाती आवश्यक कारण प्रेगनेंसी रे कॉन्स्टिपेशन गोटे कमन प्रॉब्लम जोटा कि पानीर अधिक इंटेक् द्वारा कम करा जाय थाए परे। आउ गोटे होची चेकअप चेकअप आपण डाक्तर को प्रति मास रे थरे चेकअप करंतु टिल आपण 8 मंथ्स पर्यंत तापर आपण डाक्तर परामर्श अनुसार 2-3 सप्ताह चेकअप करिवे टिल डेलीवरी। चेकअप रे कौन होता है प्रति मास रे आपण चेकअप रे उठे लेडी रो बीपी मॉनिटर करा जाए थाए वेट मॉनिटर करा जाए थाए कारण प्रेगनेंसी देखंतु कॉम्प्लिकेशन किछटा देखा जाय जाय जोटा कि हाइपरटेंशन बा प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज एगुडा को आजिकल कमन देखा जोटा कि आप किटा टेस्ट मध्यम जना थे तेणु आप रूटीन टेस्ट हिसाब से प्रथम करापर प्रति 2-3 मास पेसेंटर सीबीसी हिमोग्लोबिन लेवल सुगार लेवल आउ यूरिन इनफेक्शन अच्छी कि ना ब्लड इनफेक्शन अच्छी कि ना एगुड़ाक डाक्टर टेस्ट कर अल्ट्रासाउंड करके लोक मन में डाउट आसे कि अधिका अल्ट्रासाउंड करने द्वारा यहाँ छुआ प्रति क्षतिकारक अटे किंतु अल्ट्रासाउंड छुआप जीरो रेडिएशन थाए तेणु छुआ प्रति जमा क्षतिकारक न था किंतु हाँ अल्ट्रासाउंड आमर अच्छी ये लिमिटेसन कराए गोटे प्रेगनेंसी प्रेगनेंट लेडी मैक्सिमम तांकर 3-4 थर अल्ट्रासाउंड कराए थे फास्ट होची डिटेक्शन टाइम रे जानिया कि सिंगल चाइल्ड अच्छी कि ट्विन अच्छी आउ हार्ट बीट अच्छी कि ना से गोटे कराए थे आउ गोटे सेकेंड कराए थे जोटा कि 3 मास एंटी स्कैन मैंने छुआर मेंटल एबनॉर्मलिटी ठीक अच्छी ना कि जानिया एंटी स्कैन तांगे डुआल मार्कर जो ब्लड टेस्ट कराए थे आउ एनोमली स्कैन गोटे कराए थे जोटा कि छुआर फिजिकाल एबनॉर्मलिटी ठीक अच्छी कि ना जानापी एटा कर तापर आम 7 मास ग्रोथ स्कैन कराए थे जो थे कि छुआर ओजन ठीक बढ़ुच कि ना लाइकर परिमाण ठीक अच्छी कि ना आउ प्लासेंटल पोजिशन सबुटा देखापी जाना था फाइनाली जदि दरकार पड़े लास्ट मोमेंट रे डेलीवरी प्लान करने छुआर फाइनाल पोजिशन लाइकर के छुआर बेकर कड़ अच्छी ना युवा जानापी फाइनाल अल्ट्रासाउंड कराए तेणु एति 4-5 अल्ट्रासाउंड निहाती आवश्यक तापर जदि किसी कह कॉम्प्लिकेशन लाइक ब्लीडिंग हुए ताहले डाक्तर परामर्श अनुसार आप अलग किसी करें। आप रेगुलर चेकअप मध्यम डाक्तर आपन को किटा परामर्श दि जाए थाए रिगार्डिंग आप डाइट आउ मेडिकेशन हिसाब से जो थे कि आयरन कैल्शियम थाए जोटा कि निहाती दरकार गोटे प्रेगनेंसी लेडी पे तरह प्रॉपर छुआर ग्रोथ पे सेतिपई आपण घरे मध्य ताकु खाद्य उपाय मध्य पाई पारे जेमती आपण साग फ्रेश पनीपरिया
କ୍ଷୀର ତାପରେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ରୁଟ ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବା ଭାଇଟାମିନ୍ସ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ମିଳିଯାଇପାରେ। ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭାଇଟାମିନ୍ସ ନେବାର ବେଶୀ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ହଁ, ଭିଟାମିନ୍ D3 ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କମ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭିଟାମିନ୍ D3 ଡାକ୍ତର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଡେଲିଭରି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋଡ଼୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି, ଯଦି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ଯଦି କିଛି ଆବ୍ନର୍ମାଲିଟି ଅଛି ଛୁଆର କି ମାଆର ତାହେଲେ ସିଜରାନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ନର୍ମାଲ୍ ହେଉ କି ସିଜରାନ୍ ହେଉ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ମାଆ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଗର୍ଭଧାରଣକୁ ଯେତିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନେଇକରି ତାଙ୍କ ସେ ଅନୁସାରେ ଚଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶିଶୁଟିଏ ପ୍ରସବ କରିପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।